कई बार जब मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूं तो मैं कुछ ऐसा सेटअप प्रेफर करता हूं जहां पे जब मार्केट ओपन होता है तो फॉर एग्जांपल मार्केट बायर के फेवर में चला जाता है, फिर अचानक 15 या 30 मिनट के बाद पूरा मार्केट सेलर के फेवर में चला जाता है, दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और पूरा मार्केट फिर सेलर के फेवर में चला जाता है, या तो मार्केट ओपन होता है सेलर के फेवर में बट 15 या 30 मिनट बाद पूरा मार्केट फेवर हो जाता है बायर की तरफ। ये सेटअप मुझे क्यों पसंद है? प्राइस एक्शन के लॉजिक के हिसाब से जहां पे इनिशियली जो 15 30 35 मिनट है वहां पे जो फाइट होती है और कोई एक जीत जाता है या तो बायर और सेलर, तो वो जो मोमेंटम मिलता है ना उसमें लॉजिक भी होता है, कुछ विजडम भी होता है, हमें लिक्विडिटी भी मिलती है और अच्छा प्रॉफिट भी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक फेवरेट निफ्टी का सेटअप बताने वाला हूं जहां आपको ट्रेड लेना है सिर्फ कॉल साइड, पुट का नहीं सोचना है, कॉल साइड, क्योंकि मार्केट ओपन होगा ना वो ओपन डाउन होगा, रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल आएगी सेलर की फेवर में, फिर अचानक 15 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के बाद वो पूरे दिन मार्केट जो लॉस किया ना इनिशियल टाइम वो पूरा लॉस रिकवर भी करेगा, कई बार उससे भी ऊपर जाएगा और हाई मारेगा। बस यही हमको स्मार्ट तरीके से इसमें से पैसा कमा लेना है और इसमें से कई बार ऐसा पैसा बन सकता है कि पूरे वीक का सिर्फ एक ट्रेड ऐसा मिल जाए तो भी हमारे घर में बहुत बड़ा पैसा आ जाए। प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा, लैपटॉप पे जाते हैं, 10 एग्जांपल बताऊंगा रीसेंट 3-4 महीने के, आपको टेस्ट करना है, इसको फॉलो करना है और अपने अपने घर में प्रॉफिट लाना आपको सीखना है। प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, चलिए जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ओके, तो अब हम मेरे लैपटॉप पे आ गए। मैं आपको स्टडी करवाऊंगा 10 डेट्स, राइट, 10 पैटर्न हम स्टडी करेंगे, सेम ही पैटर्न है पर अलग अलग 10 दिनों में हम स्टडी करेंगे ताकि थोड़ा जजमेंट लेने में भी हमें पता चल जाए। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, करना क्या है कि मार्केट में कंडीशन ये होनी चाहिए जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट सेलर की फेवर में, सबसे बड़ी कैंडल रेड कैंडल आ गई, उसके बाद मार्केट बायर के फेवर में चला जाता है, मार्केट रिकवरी मोड में चला जाता है, तो ये हमें देखना है, राइट। अब हर एक दिन पैटर्न सेम नहीं बनेगी बट ओपनिंग का तरीका सेम होगा और रिकवरी का तरीका सेम होगा, हमें ट्रेड कॉल साइड ही लेना है। बट पहले वो 10 आपको मैं 10 पैटर्न स्टडी करवा देता हूं कि जो अलग अलग दिनों पर बनी हुई है, बाद में हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह, क्योंकि कई बार जजमेंट कॉल भी लेना पड़ेगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं 23 जून से। तो ये देखो 23 जून में यहाँ पे पैटर्न बनी हुई है, बहुत बड़ी रेड कैंडल, तो मार्केट सेलर के फेवर में था और बाद में रिकवर होके फिर से नीचे आया, बट ये रिकवरी वाला फेज है वो हमें टारगेट करना है, राइट। रिकवर तो होगा, कई बार 50% रिकवर होगा, कई बार 100% रिकवर होगा, ट्रेड तो लेना है, वी डोंट नो कि कितना प्रॉफिट मिलेगा बट वे पैटर्न वर्क करेगी। तो डिफिकल्ट एग्जांपल भी मैं आपको बता रहा हूं, आइडियल एग्जांपल ये है, ये वाला बहुत बड़ी रेड कैंडल और बाद में मार्केट रिकवर होता है, ठीक है। अब हर बार इतने अच्छे लक काम नहीं करेंगे कि 1:4 or 1:5 हमें पैसा मिल जाए, हर बार इतना नहीं करेगा बट जितना करेगा प्रॉफिट में हम रहेंगे, ठीक है। अब जाते हैं 12 जून के एग्जांपल में, ठीक है। 12 जून, यहां पे देखो 12 जून में भी क्या हुआ है, बहुत बड़ी रेड कैंडल और बाद में मार्केट रिकवर हुआ है। हाँ, चार्ट पे आपको ये 40-50 पॉइंट्स लगेंगे बट अगर आप अपनी लॉट साइज बढ़ा दो और आपको पता है कि मार्केट कॉल साइड ही जाने वाला है तो आप प्रॉफिट फिर भी कमा सकते हो, राइट। सो थोड़ी बोरिंग थोड़ी डिफिकल्ट पैटर्न भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होगा, वी डोंट नो कि हर बार अपने को ट्रेड मिलेगा कि नहीं। फिर सीधा चले जाते हैं 12 मई में चले जाते हैं, लेट से कि 12 मई में अपने पास क्या मिलता है, एक दो ट्रेड तो अपने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, ये रहा फिर से आइडियल पैटर्न आ गई, देखो मार्केट सेलर की फेयर में और बहुत बड़ा रिकवरी पॉइंट 1:4 1:5 तक का यहां पर रिटर्न मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। और ये पहले 15 मिनट आधे घंटे में ही ये हो जाएगा कि ज्यादा नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है, वो रिकवर करना स्टार्ट करेगा पूरे दिन। ये 12 में हो गया। फिर 11 में देखो, 11 मई में भी क्या हुआ है, बहुत बड़ी रेड कैंडल, उससे नीचे मार्केट गया नहीं, मार्केट रिकवर किया है पर इतना ज्यादा किया नहीं, शायद
बहुत कम, अपने को 1:1 जितना या तो उससे भी कम मिला है, बट वी डोंट नो। हमें तो ट्रेड लेना पड़ेगा, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है वो बुक करना पड़ेगा। सो मैं जानबूझ के सिर्फ बहुत अच्छी चीजें नहीं बता रहा हूं, मुझे तो ट्रेड लेना है मेरा सेटअप आए तो। आई डोंट नो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, बट प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, ये कौन सा था, 11 में, 11 में के बाद आ जाते 10 में। तो देखो 10th में मे भी यहां पे देखो 3 दिन हुए, 10 तारीख, 11 और 12, तो 3 बार हमें ट्रेड मिले, 3 में से ये सबसे बड़ा ट्रेड मिल गया। तो ऐसे बैठे नहीं रहना है, ऐसे बैठे नहीं रहना है कि हर दिन मुझे 1:4 ही चाहिए। कोई बार 1:1 लेके पताओ, कोई बार 1:2 लेके पताओ। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कैंडल नहीं पर दूसरी कैंडल बहुत बुरे तरीके से मार्केट आया, फिर वहां पे स्टेबिलाइज हो गया और पूरे दिन रिकवरी किया, तो ये कॉल साइड हुआ मार्केट पूरे दिन। यही अपने को चाहिए, राइट। देखो बहुत अच्छे एग्जांपल हमें मिल गए। फिर 20th अप्रैल, लेट से 20th अप्रैल में क्या होता है। हाँ ये बात देखो, यहाँ पे भी बहुत बड़ी रेड कैंडल और फिर मार्केट रिकवर हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट रिकवर हुआ है, हुआ है? ओके। अब 24th अप्रैल, हाँ ये वाला देखो, मार्केट नीचे गया, एकदम रुका रहा और बाद में रिकवर हुआ। ये थोड़ा आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, राइट। मैं क्यों कोई कैंडल नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट सेकंड कैंडल पे ले लेना, थर्ड कैंडल पे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कैंडल बड़ी दिखी, मार्केट डाउन हुआ है, आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो। आप 9:30 को ट्रेड में घुसे तो भी चलेगा, आप 9:45 को ट्रेड में आए तो भी चलेगा, इट्स ओके। कोई भी जगह पे आप ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड लेना जरूरी है, राइट। पैटर्न थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ओके। फिर आगे हम 24th अप्रैल में, सॉरी 24th अप्रैल तो हमने कवर कर लिया, 17th अप्रैल में हमें जाना है। देखो ये रहा फिर से आइडियल पैटर्न, जो बेस्ट रिटर्न मिलता है ना, 1:3, 1:4 वाला, ये रहा। देखा कैसा रिकवर किया, तो बैठा नहीं लेना है, ट्रेड ले लेना है अपने को, ठीक है। स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा कि भाई क्या करना है, और सीधा हमें चले जाना है 16 मार्च में, ठीक है। 16 मार्च, ओके। हाँ देखो ये रहा, ये भी थोड़ी डिफिकल्ट पैटर्न, मार्केट गिरा 2 कैंडल तक और बाद में कितना ज्यादा रिकवर हुआ, फिर से गिरा, फिर से रिकवर हुआ। तो मतलब ये कॉल साइड में मैं चाहता चला जाता तो मुझे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉफिट में ही रहता मैं। मैंने क्या किया, हमारा जो लॉजिक था उसके हिसाब से मैंने आपको 10 पैटर्न दिखाई, 10, और उसमें काफी सारी इजी थी, काफी सारी डिफिकल्ट थी। एज ए ट्रेडर मैं आपको वही बात बताना चाहता था कि भाई मौके आएंगे, पैसा बनेगा, हर महीने से 2 ट्रेड भी ले लो निफ्टी में, और 2 में से 1 ट्रेड भी 1:4 1:5 का प्रॉफिट दे दे हमको, तो आप सोचो कि कितना पैसा बन सकता है। फिर अपनी आप लॉट साइज बढ़ा दो तो, राइट। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस, दूसरे सारे लॉजिक की, उसको क्या करना है। देखो यहां पे लेट से कि मार्केट खुलता है 9:15, तो 9:30 के बाद कभी भी आप ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यू नो कि बड़ी कैंडल आई है, चांसेस ज्यादा है कि मार्केट रिकवर करेगा। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको थर्ड कैंडल पे, फोर्थ कैंडल पे ट्रेड लेने ले है, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो 9:45 को ट्रेड लो। स्टॉप लॉस बताता हूं, क्योंकि यहां पे मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं एक फिक्स स्टॉप लॉस रखो, कोई भी प्रीमियम में घुसो आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। बुरे दिन में 1:1 तो मिल ही जाएगा आपको, पैसा जाएगा नहीं, अच्छे दिन में 1:2, 1:4, 1:5 तक मिल जाएगा, 1:3 मिल जाएगा आपको, नो नीड टू वरी अबाउट इट। फिर बैठे रहना है, राइट। और हर 50 पॉइंट पे एसएल ट्रेल करते रहो, ताकि मार्केट ऐसा रिकवर होके नीचे आए तो भी हमें पछताना नहीं पड़े, और कॉन्फिडेंस आए तो लॉट साइज बढ़ा लो, क्योंकि मार्केट तो रिकवर करने वाला है और बड़ा पैसा बनने वाला है। इसी तरीके से रास्ता निकाला जाता है बड़ा पैसा बनाने का, राइट। इतना समझ के अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। मैं प्रीफर करता हूं कि हम या तो आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें या तो हम एटीएम में करें। ओटीएम में ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिर के रिकवर कर रहा है, कई बार रिकवरी स्लो भी होगी, कई बार फास्ट भी होगी, तो मैं नहीं चाहता खामखाम हम ओटीएम में बैठे रहे। बेटर है कि एटीएम या तो आईटीएम में पैसा बना के हम निकल जाए, क्योंकि ये दोनों में फायदा ये है कि आप 50-50 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ट्रेल कर रहे हो, तो यहाँ पे मजा आता है, वो चीज यहाँ पे मजा नहीं आएगा ओटीएम में,
स्लो होगा आपका डेल्टा, ठीक है। कई बार मार्केट कम रिकवर करेगा तो एग्जिट नहीं कर पाओगे। सो अगेन पूरा ये मेरा वीडियो देखो, प्राइस एक्शन के पूरे लॉजिक पे है कि इनिशियली मार्केट सेलर के हाथ में था, बाद में वो मार्केट बायर के हाथ में चला जाता है, तो लॉजिक बनता है, मजा आती है ऐसा मूवमेंट कैप्चर करने की। थोड़ा जजमेंट लेना पड़ेगा, डरना नहीं है, ट्रेड ले लो, आपको बहुत रेयर कंडीशन में आपका एसएल हिट होगा। अगर एसएल हिट होके फिर से मार्केट ऊपर जाए तो दोबारा री एंट्री लो, बैठे मत रहो, तो और भी अच्छा है। क्लियर से यहां पे मैंने ले लिया और मार्केट गिरा, ठीक है, मेरा एसएल हिट हो गया 40 पॉइंट का, बट फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है तो री एंट्री करो, तो वो तो डबल कंफर्मेशन, उल्टा डबल लॉट से री एंट्री कर लो, प्रॉफिट होगा। ये ऐसी सब चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, ऐसे रास्ते निकालने पड़ते हैं हमारे लाइफ में। आप पहले इसको टेस्ट करो, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही पहली कैंडल बड़ी आई अलर्ट हो जाना है कि आज वो वाली स्ट्रेटेजी, कॉल साइड, इसको टेस्ट करो, मजा आएगा दिमाग में, फिर दिमाग जजमेंट लेना स्टार्ट कर देगा आपका, फिर पैसा बनना स्टार्ट होगा। फिर जैसे कि कोई बंदा दो लॉट से ट्रेड कर रहा है, अब आप 5 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर दो, 10-8 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये पैटर्न बन रही है, महीने में 2 बार ये पैटर्न आ रही है, इसमें से पैसा बन सकता है। अंडरस्टैंड, तो ये पूरी जर्नी होती है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया, कल जाके ट्रेड कर लिया, परसों करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, क्वालिटेटिव ट्रेड्स लोगे तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा ही आएगा, ठीक है। और आप इस स्ट्रेटेजी का फीडबैक, सेटअप का फीडबैक मुझे व्हाट्सएप में भी दे सकते हो, कुछ डिस्कशन करना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, बट सीरियस तरीके से इसको फॉलो करो। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप से परेशान हो चुके हो, टिप से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3-6-12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।